हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द काइज़न ओपन कोर्स वेयर यूट्यूब चैनल। दिस यूट्यूब चैनल इज़ एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ काइज़न पब्लिक स्कूल भाना। द एम एंड पर्पज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज टू प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एवरी वन। होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेरी वेल। टूडे वी डिस्कस अबाउट हेयर चैप्टर सेंटेंस। सो Let us discuss about sentence. What is a sentence? How many types of sentence are there? Chapter topic है हमारा आज का sentence. Sentence होता है a group of words which makes a complete sense. शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्णतया कोई अर्थ निकलता हो, वो होता है हमारा sentence. ठीक है, देखो एग्जाम्पल है ए गुड राम बॉय। ए गुड राम बॉय सेंस निकला। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। क्या निकलता है? कि राम एक अच्छा लड़का है, इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। और जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है वो क्या होता है? हमारा सेंटेंस होता है। तो डेफिनेशन राइट करते हैं बेटा। डेफिनेशन है सेंटेंस की अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। Is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. ठीक है, next type of sentence. How many types of sentence are there? There are 5 types of sentence. कितने types? 5. ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा असरेटिव सेंटेंस। सेकंड आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ जो है वो क्या है? ऑपरेटिव सेंटेंस। फाइव टाइप्स है, असरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव, इट असर्ट्स सम थिंग्स। क्या करता है? कोई भी चीज बताता है। साधारण वाक्य जो होता है वो हमारा क्या होता है? असरेटिव सेंटेंस होता है। सिंपल साधारण स्टेटमेंट जिसमें दी गई हो, यानी तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इसको डिफाइन कर सकते हैं इट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट, इसके बाद में असरेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, इसको डिफाइन करते हैं। असरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस That makes a statement. एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बताता हो, एक कथन, सिंपल कथन बनाता हो। एग्जाम्पल शुरुआत में हमने पढ़ा कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, उसको हम असरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं I have a dog. मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसका। I have a dog.
ठीक है। तो ये हमारा हुआ असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो असर्टिव सेंटेंस वो था जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट बनाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई भी कमांड, कोई भी एडवाइस या रिक्वेस्ट की गई होती है। कमांड दी गई होती है, एडवाइस दी गई होती है या फिर रिक्वेस्ट की गई होती है। तो क्या लिखेंगे? इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। देखो इसमें या तो कोई कमांड दी गई होगी, या कोई रिक्वेस्ट की गई होगी, या फिर आपको कोई एडवाइस सलाह दी गई होगी। कमांड क्या हो सकती है? कमांड जैसे मैंने बोला आपको, टाइप दीज लेटर्स क्विकली, तो ये आपके लिए हमारी एक कमांड हो गई। रिक्वेस्ट क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँ भी प्लीज़ लैंड मी योर बुक, कि कृपया मुझे अपनी बुक उधार दीजिए। या फिर एडवाइस सलाह, डोंट बोर्ड ऑन मूविंग बस, कि चलती हुई बस में कभी मत चढ़ो, ये एक सलाह हो गई। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स दी गई होगी वो क्या हो गई? इंपेरेटिव सेंटेंस होगी। एक एग्जांपल लिखते हैं हम, कौन सा लिखेंगे? कमांड का लिखेंगे। एग्जांपल कमांड क्या है? अभी बोला था जैसे टाइप दीज लेटर्स क्विकली, टाइप दीज लेटर्स क्विकली। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट। अब डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया गया हो, क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें, वो क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या लिखेंगे? इट आस्क्स अ क्वेश्चन, इट आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है। और इट एंड्स विद एन साइन ऑफ, अ साइन ऑफ इंटरोगेटिव। किसके साथ एंड होता है इस सेंटेंस का? अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ओके, एग्जांपल लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम एंड साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये हमारा कौन सा हुआ? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो और वंडर, कि अचानक से कोई फीलिंग जो होती है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो दुख की हो, या फिर कोई हैरान करने वाली बात हो, तो उसके लिए क्या होगा? उस जो सेंटेंस यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ठीक है। तो लिखते हैं इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ सोरो, जॉय और वंडर। एक एग्जांपल लिखते हैं खुशी का, अचानक से कि हुरा वी वॉन द मैच, खुशी हुई हुई अचानक से कि हम मैच जीत गए, ठीक है। तो देखो एग्जांपल हुरा
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, वी वॉन द मैच, तो ये हो गए हमारे फोर पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट टाइप्स क्या है इसका, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी विश या प्रेयर की गई होती है। ऑपरेटिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर, कोई भी इच्छा होती है या प्रार्थना की गई होती है। इट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर। एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारा चैप्टर था सेंटेंस, सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। लगता है आपको समझ में आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन आंसर्स, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक्स।